Hello everyone, good evening. This is your educator Dr. Shweta Pankaj Murudkar and I welcome you all to Unacademy. Today we are going to talk about types of species interactions, right? So this particular concept holds utmost importance when you talk about the module ecology, right? So today we are going to understand what is the role of species in a particular ecosystem. Every species, as you know, wants to survive. Every species, as you know, wants to establish itself, correct? So this establishment will occur only when it will be able to live for itself. Now, species, as you know, they do not live in isolation, correct? These species, these tend to live with each other. They are connected with each other. There are various ways in which they interact with each other. So what are these interactions and how do they exactly help in establishing these species in this atmosphere? All these things we are going to understand, right? So Sushmita, good evening, welcome to the class. Yes, can you hear me now? And the slides are visible as well, I hope. So coming to the most important interactions that you have in this ecosystem, right? Yes, Pooja, definitely Hindi mein bhi baat karungi. So we are going to have a mixture of Hindi and English, right? When we are trying to understand this concept, right? Don't worry. Anywhere you have a query, you can just ping me over here and I'm going to explain it to you, right? So hum baat kar rahe hain species ke interaction ki. एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ किस तरीके का रिलेशन बनाती है, ठीक है? इस रिलेशन से क्या उनको कोई नुकसान होता है, उनको कोई हानि पहुंचती है या उनको फायदा होता है, या कोई ऐसा एसोसिएशन है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें किसी को भी नुकसान नहीं है, या फिर ऐसा एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फायदा है, ठीक है? So now we are going to understand what are the different types of interactions. कैसे interaction होती है और इन दोनों interaction में एक species का दूसरे species के साथ क्या relation होता है, ठीक है? Yes, Raksha, good evening dear. Yes, Sushmita, Raksha, Pooja, good evening. ठीक है? तो अब हम जानेंगे किस प्रकार के interactions होते हैं. So हमारा आज का agenda क्या है? स्पीशीज इंटरैक्शंस को समझना, उसके बाद उनके एग्जांपल्स को नोट करना और अंत में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू ट्राई एंड सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर स्पीशीज इंटरैक्शन. तो हमारे पास पार्ट सी के क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द नॉलेज दैट वी हैव. जो हम आज सीखेंगे उसके हिसाब से हम उस नॉलेज को अप्लाई करके हम पार्ट सी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टाइप्स ऑफ स्पीशीज इंटरैक्शन पे बेस्ड है, ठीक है? तो अब कितने टाइप के इंटरैक्शंस हैं एक एक करके समझेंगे. तो आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत सिंपल सा टेबल है ना. इस टेबल में टाइप्स ऑफ इंटरैक्शन, ठीक है, फिर हमने लिखा है SP1. SP1 मीन्स स्पीशीज 1. SP2 मतलब स्पीशीज 2. एंड देन यू हैव जनरल नेचर ऑफ इंटरैक्शन, मतलब ये जब इंटरैक्ट करते हैं तो उसका आउटकम क्या आता है, एक स्पीशीज का दूसरे स्पीशी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो पहला इंटरैक्शन जो है जिसे कहते हैं न्यूट्रलिज्म, ठीक है? न्यूट्रलिज्म मतलब क्या, मैं न्यूट्रल हूँ. एक स्पीशीज और दूसरे स्पीशीज में जो इंटरैक्शन होता है उससे ना किसी को कोई चोट पहुंचती है, ना किसी को कोई फायदा होता है, ठीक है? सो नो विन नो लॉस सिचुएशन, ये होती है न्यूट्रलिज्म. जैसे नाइदर पॉपुलेशन इज गेटिंग अफेक्टेड. इसके बाद जो इंटरैक्शन हम देखेंगे दैट इज म्यूचुअल इनहिबिशन, ठीक है?
म्यूचुअल इनिबिशन मतलब मुझे भी नुकसान है तुझे भी नुकसान है, ठीक है. स्पीशीज वन इज ऑल्सो गेटिंग नेगेटिवली अफेक्टेड एंड स्पीशीज टू इज ऑल्सो गेटिंग नेगेटिवली अफेक्टेड, ठीक है. अब ये जो अफेक्ट होता है ये या तो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है. डायरेक्ट इनिबिशन मतलब कैसे, ठीक है. अगर, ठीक है, अगर मैं मेट चॉइस, राइट, मुझे एक पोटेंशियल पार्टनर के साथ मेट करना है, ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू यू नो विन ओवर दैट मेट, तो आई एम डायरेक्टली इनिबिटिंग द अदर स्पीशीज टू हैव दैट पर्टिकुलर मेट, करेक्ट. मुझे अगर किसी एक यू नो इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज अगर मुझे पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर फीमेल, राइट, इज द वन विच हैज़ वेरी हाई वीगर, राइट, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत अच्छी है, शी इज़ अ वेरी हेल्दी फीमेल, तो अल्टीमेटली एवरी स्पीशीज वॉन्ट्स टू पास ऑन इट्स जीन. हर एक स्पीशीज की ये कोशिश होती है कि वो अपने जीन्स को जितने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर सके, तो वो क्या कोशिश करेगा, सबसे हेल्दी जो मेट है उसको अपने साथ कर ले, ठीक है. तो ये हो गया डायरेक्ट कॉम्पिटिशन. इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन कैसे होगा कि भाई ये जगह है, ठीक है, एक जंगल है, इस जंगल के पास एक जगह है जहाँ पे पानी बहुत आसानी से मिल जाता है, शैडो वाला रीजन है, प्रिडेटर्स यहाँ ज़्यादा जल्दी से पहुँच नहीं पाते, राइट, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है. तो ऐसी टेरिटरी के लिए जब फाइट होती है ना, इट्स अ कॉमन रिसोर्स, व्हेन देयर इज फाइटिंग फॉर द कॉमन रिसोर्स, या फिर कोई एक फूड है, ठीक है, कोई फूड रिसोर्स है, अब उस कॉमन फूड रिसोर्स के लिए जब फाइटिंग होती है तो उसे कहते हैं कॉम्पिटिशन, या जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट इनहिबिशन, ठीक है. मान लो कि एक जंगल है जिसमें दो स्पीशीज हैं, ठीक है, अब दोनों स्पीशीज जो हैं उनमें कॉम्पिटिशन है खाने के लिए, ठीक है. स्पीशीज नंबर वन जो है उसकी खाने की कैपेसिटी जो है वो बहुत बड़ी है, सो स्पीशीज वन इज अ वोरेशियस फीडर, राइट, इट हैज़ वेरी क्विक वे ऑफ ईटिंग और कंज्यूमिंग द रिसोर्सेस. स्पीशीज नंबर टू थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर स्पीशीज ए जो है वो बी को नहीं बोल रहा कि भाई तुम खाओ मत, है ना, बट जैसे ही खाना आता है ये तुरंत फटाफट उसको ख़त्म कर लेता है. सो इनडायरेक्टली स्पीशीज बी के लिए जो खाना बचता है वो कम है ना, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट इनहिबिशन, ठीक है. तो समझ में आया, हम इसके और एग्जांपल्स पढ़ेंगे, बट आई बिलीव एक ओवरऑल आइडिया आपको आ गया है कि म्यूचुअल इनहिबिशन में क्या होता है. सही है, यस, आर यू विद मी, ओके, दैट्स ग्रेट, चलो बढ़िया, ठीक है. उसके बाद जो एसोसिएशन है उसे हम कहते हैं अमेंसालिज्म. अमेंसालिज्म में एक स्पीशीज को हानि पहुंचती है और दूसरे स्पीशीज को कोई नुकसान भी नहीं होता और कोई बेनिफिट भी नहीं होता, ठीक है. सो इसे कहते हैं नेगेटिव एंड जीरो एसोसिएशन. वन पॉपुलेशन इज गेटिंग इनहिबिटेड वेयर एज द अदर पॉपुलेशन इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, करेक्ट. दिस इज अमेंसालिज्म. इसके भी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस किस प्रकार के स्पीशीज इंटरैक्शंस होते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि इन सब के स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है. ये हो गया अमेंसालिज्म. फिर हम बात करते हैं पैरासिटिज्म की या प्रिडेशन की. प्रिडेशन या पैरासिटिज्म में क्या होगा, एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को खाएगी या उसको यूटिलाइज करेगी, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, देयर इज प्लस माइनस. पैरासाइट और द प्रिडेटर इज ऑन द विनिंग साइड, इट गेन्स एट द एक्सपेंस ऑफ द होस्ट और द प्रे, करेक्ट. पैरासाइट के केस में किसी होस्ट को वो कॉन्कर करता है और इस होस्ट के ऊपर उस होस्ट से न्यूट्रिशन लेगा, रहने की जगह लेगा, राइट, तो उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है. प्रिडेटर क्या करेगा, वो अपने प्रे को खा जाएगा, ठीक है. तो इससे क्या होगा, अगेन देयर इज
benefit of the predator, but the prey is at loss. Correct? इसके बाद का जो association है, उसे कहते हैं commensalism. Commensalism में क्या होगा? ठीक है? It's a positive and zero association. Okay, we have a question from Raksha, right? Amensalism को example. Yes, Raksha, बिल्कुल फिकर मत करो. We are going to have examples of each of these interactions. ठीक है? हर एक interaction को बहुत अच्छे examples के साथ हम समझेंगे. ठीक है? अभी के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं example दे सकती हूँ. हम जब बात करते हैं Aspergillus niger की, ठीक है? Aspergillus niger जो है, ये एक fungus है ना? ये क्या प्रोड्यूस करता है? What does Aspergillus niger produce? Right? Antibiotics बनाने में यूज करते हैं, है ना? तो क्या बनाता है Aspergillus niger? ये बनाता है penicillin. Correct? Aspergillus बनाता है penicillin. Penicillin क्या करता है? आजू बाजू के जो bacterias हैं, उनको kill करता है. Correct? So, one population is inhibited. Bacteria is inhibited and the other is not affected. मतलब जो produce कर रहा है, जैसे Aspergillus niger है, ये इस चीज़ को produce कर रहा है, तो it is not affected. But, the bacterial population is inhibited. Or it is getting negatively affected. So, penicillin produced by Aspergillus niger is an example of amensalism. Is it clear? Yes, Raksha? ठीक है? Alright. Okay, thanks a lot. ठीक है? फिर हम बात कर रहे हैं commensalism की. Commensalism में क्या होगा? एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा, दूसरे स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? द होस्ट इज अनअफेक्टेड. करेक्ट? दिस इज कमेंसालिज्म. इसके भी हम एग्जांपल्स देखेंगे, डोंट वरी. एक-एक धीरे-धीरे करके समझेंगे. ये तो बस एक ओवरव्यू है ताकि आप समझो कि कितने-कितने प्रकार के इंटरैक्शंस होते हैं. ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव एसोसिएशंस की. पॉजिटिव एसोसिएशन में आपके पास क्या है? प्रोटो कोऑपरेशन, जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा होता है. ठीक है? और म्यूचुअलिज्म, इसमें भी दोनों स्पीशीज को फायदा होता है. सो बोथ आर एट अ बेनिफिशियल लेवल. बट दोनों में फर्क क्या है? प्रोटो कोऑपरेशन में इंटरेक्शन इज फेवरेबल टू बोथ, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी. इसका मतलब क्या है? कंपलसरी नहीं है कि दोनों स्पीशीज को एक दूसरे के साथ जुड़ना ही है. ठीक है? पर जब हम बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की, इसमें क्या है? दोनों के लिए ये फायदेमंद है, राइट? बोथ ऑफ देम आर पार्टिसिपेटिंग, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड एंड दिस रिलेशनशिप इज ऑब्लिगेटरी. मतलब अगर ये एक रिलेशनशिप में नहीं आते, ठीक है, तो इन दोनों के सर्वाइवल को नुकसान हो सकता है. ठीक है? तो इनको एसोसिएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए. ठीक है? तो एक बेसिक ओवरव्यू समझ में आ गया सबको कि किस किस प्रकार के इंटरैक्शंस होते हैं. और आपको आई होप यू हैव आल्सो अंडरस्टूड स्पीशीज वन एंड स्पीशीज टू में क्या होगा. ओके? तो ये जो मैंने कॉलम बनाया है वन एंड टू, जिसमें मैंने जीरो लिखा है, कहीं पे नेगेटिव लिखा है, कहीं पे पॉजिटिव लिखा है, तो इन्हीं साइंस के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है? तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन पता चलेगा. ठीक है? कि कैसे क्वेश्चन आता है, उसको आपको कैसे टैकल करना है, राइट? तो अब एक काम करते हैं, अब हर एक इंटरैक्शन को समझते हैं विद प्रॉपर एग्जांपल्स, ताकि एग्जाम में अगर आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे बताना पड़े कि ये किस टाइप का इंटरैक्शन है, देन यू विल बी एट ईज टू आंसर दैट क्वेश्चन. ठीक है? चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रलिज्म की. ठीक है? तो न्यूट्रलिज्म में हमने क्या पढ़ा, राइट?
Just a minute. Yes. So, neutralism में हमने पढ़ा. Okay. तो neutralism में ये होता है कि दो अलग अलग species population है, ठीक है? ये दोनों, ठीक है? जब एक association में आते हैं, ठीक है? तो उनको ना कोई फायदा है, ना कोई नुकसान है, ठीक है? So the best example over here is of a fish known as grass carp. ठीक है, जो ऊपर वाला figure जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं grass carp. ये एक प्रकार की मछली है, ठीक है? और कैटला, ठीक है? रोहू और कैटला अगर आपने सुना होगा, ठीक है? These are fresh water fish. ठीक है? तो अगर carp की बात करें और कैटला की बात करें, तो दोनों एक ही pond में present होते हैं. कई बार they share the same ecosystem, right? But they do not affect each other. Correct? तो उनकी association की बात की जाए, तो ये same habitat को share करते हैं, पर ना ये वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, ना ये एक दूसरे का कोई फायदा कराते हैं, ठीक है? क्योंकि grass carp it feeds on macro vegetation, ठीक है? मतलब mostly ये plants खाना पसंद करते हैं, जो phytoplanktons होते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनको खाना पसंद करते हैं. और जो कैटला है, ठीक है, ये जो नीचे हम छोटी सी मछली देख रहे हैं, दिस कैटला फिश इट फीड्स ऑन ज़ू प्लैंकटन. ज़ू प्लैंकटन क्या होते हैं? जो छोटे छोटे प्लैंकटन्स को खाते हैं, है ना? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन द फाइटोप्लैंकटन्स. मतलब फाइटोप्लैंकटन्स, फिर ज़ू प्लैंकटन, उसके बाद फिश. ये ऑर्डर होती है अगर आप ट्रॉफिक लेवल की बात करो तो, ठीक है? तो ये ग्रास कार्प जो है वो प्लांट्स को खाता है, जो कैटला है वो ज़ू प्लैंकटन को खाता है. इसीलिए ये दोनों बहुत अच्छे से एक ही हैबिटेट में आराम से रह सकते हैं, राइट? सो दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज न्यूट्रलिज्म. ओके, मूविंग अहेड, बात करेंगे कंपटीशन की, राइट? जब भी हम कंपटीशन की बात करते हैं, राइट, एनी काइंड ऑफ कंपटीशन, इसमें हमेशा दोनों स्पीशीज का नुकसान होता है. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कंपटीशन, इट इज अ नेगेटिव नेगेटिव काइंड ऑफ एसोसिएशन. कैटला इज द लोअर वन. ओके, जो नीचे वाला फिश है वो कैटला है, ऊपर वाला जो है वो ग्रास कार्प है, ठीक है? ओके, ऊपर वाला जो ग्रीन कलर में है, राइट, द टॉप वन इज ग्रास, राइट, ग्रास कार्प, और नीचे जो है द बॉटम वन इज कैटला. ओके, alright. So competition की जब बात करते हैं, तो competition में होता है interaction between two organisms utilizing a limited resource. Correct? तो हमेशा जो resource कम quantities में होता है, ठीक है, जैसे food है, territory है, space है, ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा competition होती है. और जब भी competition होगी, दोनों species जो हैं उनमें कुछ ना कुछ तरह से नुकसान होता है, है ना? क्योंकि आप कंपीट करते हो. जब आप कंपीट करते हो तो आप अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करते हो, इजंट इट? यू आर यूटिलाइजिंग योर एनर्जी, राइट? रंजीत, गुड इवनिंग. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्पीशीज इंटरैक्शंस, ठीक है? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज इंटरैक्शंस, राइट? हाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. And we are also going to talk about previous year question part C. Once we finish with the concept building, we will talk about the previous year questions. Okay, so join in. ठीक है? तो जैसे competition की बात करते हैं, यहाँ पे हमेशा जब competition होती है, it results in reduced fitness. क्यों आपको लगता है कि fitness reduce हो जाएगी? इसका मतलब है, जब आप किसी चीज़ के लिए लड़ते हो,
आप अपनी वैल्यूएबल एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, इजंट इट? जो एनर्जी आप रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हो, कर सकते हो, जो एनर्जी आप फूड सोर्स ढूंढने के लिए कर सकते हो, जो एनर्जी आप रेस्ट करने के लिए, ओके, वंस यू आर फिनिश विद द फाइट एंड यू रेस्ट एंड यू कंजर्व दैट एनर्जी फॉर एनी फर्दर पर्पजेस, तो ये सारी एनर्जीज जो हैं, राइट, ये आप वेस्ट कर रहे हो, राइट, इन फाइटिंग, इन कंपीटिंग, करेक्ट? इट रिजल्ट्स इन अ रिड्यूस्ड फिटनेस इन द कंपीटिंग इंडिविजुअल्स. इसीलिए हम कंपटीशन को हमेशा नेगेटिव नेगेटिव इंटरैक्शन कहते हैं. अब जैसे हमने डिस्कस किया, देयर कैन बी डायरेक्ट और इंटरफियरेंस कंपटीशन, ठीक है? इसका मतलब है या तो कोई बायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कोई प्रेडेटर प्रेजेंट है, जैसे कोई यू नो कॉम्पिटिटर प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से आप किसी रिसोर्स को यूज़ नहीं कर पाते, या फिर कोई अबायोटिक फैक्टर है, जैसे टेम्परेचर सही नहीं है या बहुत ड्राई कंडीशंस हैं, ठीक है, थीके? तो ये सारी हो गई डायरेक्ट या इंटरफियरेंस कंपटीशन. दूसरे तरीके की कंपटीशन होती है इनडायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन कंपटीशन, ठीक है. एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या? मैं किसी रिसोर्स को बहुत ज़्यादा हद तक यूज़ कर रही हूँ. यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द एग्जाम्पल वेयर वन स्पीशीज इज़ अ वोरेशियस फीडर, तो वो क्या करेगा, जैसे ही फूड रिसोर्स अवेलेबल है वो सारा रिसोर्स अपने लिए रखेगा एंड इट विल ईट अप और कंज्यूम ऑल द रिसोर्सेस, राइट, एंड द अदर स्पीशीज बेचारा उसको तो कुछ बचेगा ही नहीं, राइट. सो इट अकर्स व्हेन वन स्पीशीज एक्सप्लॉइट्स द रिसोर्स विच इज कॉमनली शेयर्ड बिटवीन द स्पीशीज विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्पीशीज, राइट. इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक बार एग्जाम्पल्स समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है. हेमंत, जरूर कोशिश करूंगी मैं नीट के लिए भी, ओके. चलो तो पहले एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इंटरफियरेंस, ठीक है. तो कॉनन नाम के एक साइंटिस्ट थे, राइट, हु ट्राई टू स्टडी इंटरफियरेंस बेस्ड कंपटीशन, ठीक है. एक स्कॉटलैंड में एक कोस्टल रीजन है जहाँ पे ये स्टडी किया गया, ठीक है. देयर वर टू स्पीशीज ऑफ बारनैकल्स, ठीक है. दीज आर अ काइंड ऑफ स्मॉल, यू कैन से स्मॉल जू प्लैंकटन्स, ठीक है. तो ये बारनैकल्स जो हैं ये पत्थर के ऊपरी भाग में कई बार पाए जाते हैं और कुछ हैं जो नीचे वाला रीजन प्रेफर करते हैं, ठीक है. तो दो तरीके के बारनैकल्स होते हैं, एक जिसे कहते हैं बैलानस ग्लैंड्यूला, ठीक है, जिसको हम कहेंगे चलो बीजी, ठीक है. सो बैलानस ग्लैंड्यूला जो है इट अकर्स इन द लोअर इंटरटाइडल जोन, राइट. ये हमेशा पानी के नीचे रहना पसंद करते. तो एक पत्थर है आधा पानी के ऊपर आधा पानी के नीचे, ठीक है. तो ये जो हमारा बैलेनस ग्लैंड्यूला है ये क्या करेगा, ये हमेशा पत्थर के नीचे वाले साइड में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है. और जो दूसरा है जिसे कहते हैं थैलेमस स्टेलाटिस, ये क्या करता है, ये प्रिफर करता है कि ये ऊपर के रीजन में रहना पसंद करता है, ठीक है. तो ये क्यों होता है, बैलानस ग्लैंड्यूला जो है, ठीक है, ये जो है उसको बहुत ज़्यादा देर तक अगर लो टाइड है तो पत्थर का ऊपरी भाग जो है ये जो होगा काफ़ी हद तक ड्रॉट कंडीशंस में होगा, है ना, यहाँ पर पानी नहीं होगा तो बैलानस को ये अच्छा नहीं लगता, उसको पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है. तो ये क्या करेगा, हमेशा जो पत्थर का रीजन पानी के नीचे है वही रहना पसंद करेगा. ऑन दी अदर हैंड यू हैव थैलेमस स्टेलाटिस, ये क्या करेगा, ये ऊपर रहना पसंद करता है, क्योंकि बैलानस जो नीचे है वो बोलेगा भाई तू ऊपर ही रहे, यहाँ पर बहुत कंपटीशन है, राइट.
What will balanus do? It has a rapid growth rate. Correct? So it will not allow the thalamus stellatus to occupy the lower region. Balanus kya karega? Ye mera area hai. Right? Balanus jo hai apna growth potential itna increase karega ki thalamus ke liye wo jagah hi nahi rakhta. To thalamus bolega, chodo na, kyun competition karna niche jaake? Let me stay on the top. Right? There are also predators which are present underneath. Hai na, jo mujhe kha sakte hain, to main kyun niche jaun? I will prefer staying on the upper region. To jo larvae hain in dono species ke, right? Ye to upar ya niche dono jagah ja sakte hain. Par jaise jaise ye adult form attain karte hain, right? They will try to restrict themselves in their specific zones. Right? तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है डायरेक्ट इंटरफेरेंस का, ठीक है? तो डायरेक्ट इंटरफेरेंस में अब क्या हुआ है कि ड्यू टू द अबायोटिक फैक्टर्स, जैसे लॉन्ग कंडीशंस ऑफ लो टाइड, ड्रॉट कंडीशंस, है ना, ऑन द टॉप ऑफ द रॉक, ठीक है? सेकेंडली ड्यू टू कंपटीशन, थैलेमस को चांस ही नहीं मिलता, है ना, क्योंकि बैलानस बोलता है कि तू यहाँ पे मत आ, right? So it will stay in the lower region itself. It will stay in the upper zone itself. So this is direct interference, right? तू मेरी जगह में मत आ, kind of a situation, right? Then we talk about indirect interference. Indirect interference में क्या होता है? एक experiment था by Gauss, ठीक है? जो पढ़ाई कर रहे थे paramecium पे. तो पैरामेशियम के दो स्पीशीज को इन्होंने कंसिडर किया. विच वर द टू स्पीशीज? पैरामेशियम कॉडेटम एंड पैरामेशियम ऑरेलिया. इन दोनों को जब अलग अलग ग्रोथ मीडियम्स में ग्रो किया, है ना, यीस्ट में हमने दोनों को जब ग्रो किया, तो हमें ये पता चला कि ऑरेलिया जो है, पैरामेशियम ऑरेलिया जो है, इट हैज अ फास्टर रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है? तो से फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन बोथ दी स्पीशीज, राइट? 10 कॉडेटम के लिए, 10 हमने ऑरेले के लिए, ठीक है? अब एक घंटे बाद जब देखा, ठीक है, तो ऑरेलिया का नंबर 10 से लेकर 100 हो गया था, वेयर एज कॉडेटम का नंबर 10 से 50 हो गया था एक घंटे के अंदर. इसका मतलब क्या है? ऑरेलिया का रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो ये हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया. अब गॉस ने क्या किया? बोथ द स्पीशीज वर एडेड टू द सेम वेसल. एक ही प्लेट में या एक ही ग्लास बॉटल में हमने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है? तो अब क्या हुआ? ऑरेलिया ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया मिक्सचर को. मतलब, राइट, धीरे धीरे जैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, ठीक है, तो ऑरेलिया का नंबर जो है वो बढ़ता गया एंड कॉडेटम का नंबर कम होता गया, राइट? सो स्लोली इवेंचुअली कॉडेटम इट डाइड आउट. अब ये कैसे हुआ? वॉज देयर एनी डायरेक्ट फाइट बिटवीन द टू? वॉज ऑरेलिया ट्राइंग टू इनहिबिट कॉडेटम इन एनी वे? नहीं. ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑरेलिया हैड अ मोर रैपिड ग्रोथ रेट, ठीक है, ऑरेलिया पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज़्यादा थी, इसीलिए उनके नंबर्स जो हैं काफ़ी जल्दी बढ़ते गए, ठीक है, एंड उन्होंने कॉडेटम को चांस ही नहीं दिया कि वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके. तो डायरेक्ट कोई अटैक नहीं हुआ, ना उन्होंने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज किया, राइट? तो सिर्फ ड्यू टू देयर हाई रेट ऑफ इंक्रीज they could out-compete the other species, right? So, codatum could not survive the conditions of limited food resource, right? तो इसे कहते हैं indirect interference, ठीक है? I hope this is clear. आगे बढ़ते हैं. Next example is of amensalism, ठीक है? तो amensalism में क्या होता है? This is a situation where one species negative, the other is zero. Okay?
one species is harmed and the other is unaffected. Correct? So what happens in this case? Jaise maine kaha tha ki penicillin is released by Aspergillus niger. So Aspergillus niger jo hai, he is unaffected. He is releasing the penicillin, which is an antibiotic, jo bacteria ko kill kar deta hai. So one organism harms the other through a byproduct formed by its activities. Okay? Humans, hum kya karte hain? Air pollution karte hain. Air pollution ki wajah se jo lichens hain, hai na, wo generally mar jate hain. Lichens die due to the air pollution which is being produced by human activities. Bees, right? Bees die when the health department sprays insecticides to kill mosquitoes. So, agar aapke insecticides specific nahi hai mosquitoes ke liye, to bees jo hain, bichare wo bhi isi environment ka ek bhag hai aur wo bhi affect ho jate hain. Right? So, this is amensalism. ठीक है, moving ahead, हम बात करेंगे predation की, herbivory की और parasitism की. ठीक है, तो ये relation जो है, ये सबको बहुत अच्छे से पता है ना, predation, predator and prey, ये relation हम कब से पढ़ते आ रहे, right? So predator and prey populations, they respond dynamically to one another. ठीक है, तो जो ग्राफ आप यहाँ पर देख रहे हो, राइट, इस ग्राफ में क्या दिख रहा है, प्रे का ग्राफ ऊपर है, ठीक है, वैसे वैसे प्रेडेटर का ग्राफ भी ऊपर चढ़ता जाता है. जैसे जैसे प्रे का ग्राफ नीचे आता है तब प्रेडेटर ऊपर है, ठीक है, फिर वो भी नीचे आना शुरू कर देता है. तो ये जो फ्लक्चुएशन है ये कैसे होता है, ठीक है, fluctuation in the numbers of a predator species and its prey that occurs over a time, right, इसे हम कहते हैं population dynamics. Okay, तो यहाँ पर क्या दिखाया है कि अगर there is a sharp increase in the number of prey species, right, say for example a rabbit, it is followed soon thereafter by a smaller increase in number of relevant predators, जैसे कि fox. बहुत simple way में इसको समझते हैं, ठीक है, एक जंगल है, इस जंगल में हमने कुछ खरगोश छोड़ दिए, ठीक है, rabbits या खरगोश छोड़ दिए, अब क्या होगा, यहाँ पर खरगोश की संख्या जो है वो बढ़ती जाएगी, इतना सारा, यू नो, सच अ बिग फॉरेस्ट है ना, इतना सारा खाना, तो ये खरगोश की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो खरगोश का नंबर इंक्रीज हो जाएगा. अब यहाँ पर आता है एक फॉक्स, ठीक है, फॉक्स आता है और उसे पता चलता है अरे इस जंगल में तो खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे यू नो खरगोश हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने कुछ दोस्तों को भी लेकर आएगा, अपनी फैमिली को लेकर आएगा और बोलेगा इस जंगल में बस जाकर, ठीक है. So what is going to happen now? Since the fox has so much of food available, correct, in the form of rabbit, what will happen? They will keep on eating those rabbits and they will increase in number, right? So ab kya ho raha hai? The rabbit population is being eaten by fox and they are reproducing so that the number of fox will also increase. Ab kya hoga? जैसे जैसे प्रेडेटर का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे प्रेडेटर फॉक्स की संख्या इंक्रीज होती जाएगी, तो क्या होगा, प्रेशर आएगा रैबिट्स पे, है ना, तो क्या होगा, जैसे जैसे फॉक्स बढ़ते गए वैसे वैसे रैबिट की संख्या कम होती जाएगी, करेक्ट, तो अब रैबिट्स बचे ही नहीं जंगल में, है ना, तो रैबिट्स का नंबर बहुत कम हो गया. नाउ it will start affecting the fox again, क्योंकि अब खाना नहीं बचा, है ना, अब खाना खत्म हो गया है, तो again the fox population due to hunger they will start to decrease, so the fox will starve and they will keep on dying. जैसे जैसे दोबारा predator की population कम होती गई, fox का number कम होता गया,
फिर से रैबिट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइकिल फॉलो होती है, ठीक है। कंटिन्यूसली प्रीडेटर एंड प्रे, इनकी जो पॉपुलेशंस है वो ऐसे कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होती रहती है, राइट। सो एज द प्रे पॉपुलेशन डिक्रीजेस ड्यू टू प्रीडेटर किलिंग, है ना, प्रीडेटर या तो स्टार्वेशन की वजह से या किसी और रीजन से अगर प्रीडेटर्स का नंबर कम हो जाए, करेक्ट, नाउ द फूड अवेलेबल फॉर प्रीडेटर्स इज लेस एंड देयर नंबर्स सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, करेक्ट। अगेन विद द प्रीडेटर प्रेशर रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ प्रे कैन इंक्रीज। जैसे ही फॉक्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है, जो रैबिट्स हैं ये इंक्रीज होना शुरू कर देंगे, राइट। सो दिस मीन्स, इसको हम कैसे सम अप कर सकते हैं, देर आर ऑलवेज मोर प्रे देन प्रीडेटर्स, है ना। प्रे की पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए प्रीडेटर्स से, एंड द प्रे विल ऑलवेज इंक्रीज बिफोर द प्रीडेटर्स डू। मतलब प्रीडेटर्स को अगर ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होना है तो पहले प्रे पॉपुलेशन को ज़्यादा होना चाहिए, राइट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एक और एसोसिएशन की, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अलीलोपथी, राइट। अलीलोपथी इज अगेन अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन वेयर वन स्पीशीज नेगेटिवली अफेक्ट्स द अदर, ओके। व्हेन ऑर्गेनिजम्स रिलीज केमिकल्स इनटू द एनवायरनमेंट विद अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑन अदर स्पीशीज, करेक्ट, दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज रेफर्ड टू एज अलीलोपथी। मतलब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज की ग्रोथ को हार्म करती है। माइक्रोसिस्टिस, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गे है, इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिक सब्सटेंस नोन एज हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये क्या करेगा, इट विल किल द फिश एंड द कैटल विच ड्रिंक दिस वाटर। तो इन अ वे एल्गे इज रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ एनी प्रीडेटर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट। इसे कहते हैं अलीलोपथी। एक और एल्गे जिसे हम कहते हैं क्लोरेला वल्गैरिस, ये क्या करता है, ये भी एक टॉक्सिन बनाता है जिसे कहते हैं क्लोरेलिन। दिस क्लोरेलिन इज टॉक्सिक टू अदर एल्गल स्पीशीज एज वेल। तो ये एल्गे क्या कर रहा है, अपने लिए जगह बना रहा है, राइट, अगेन अ नेगेटिव एसोसिएशन। फंगाई, राइट, वी डिस्कस दिस, दे प्रोड्यूस harmful substances such as penicillin, streptomycin, oreomycin, etc. that kill bacteria and viruses, isn't it? तो इसे कहते हैं अलीलोपथी, ठीक है। अब हम बात करेंगे commensalism की, right? commensalism एक बहुत ही simple type का association होता है, ठीक है, जिसमें हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। कमेंसल्स दे लिव ऑन और अराउंड सम ऑफ द अदर स्पीशीज दैट इज देयर होस्ट एंड डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द एसोसिएशन। एक चीज आपने हमेशा नोटिस की होगी, ठीक है, अगर आप किसी विलेज एरिया में जाते हो तो वहाँ पर, ठीक है, अगर आप किसी नदी के पास या किसी जैसे ग्रासलैंड जैसा एरिया है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी घास है, वहाँ पे अगर आप देखोगे गाय होते हैं, बैल होते हैं, देर आर काउज, देर आर बुलक्स, राइट। सो इनके ऊपर ना बर्ड्स बैठे होते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व दिस, यस, बुल्स हैं, काउज हैं, तो इनके ऊपर बर्ड्स बैठे होते हैं। ये बर्ड्स आखिर करते क्या हैं, Why are they sitting on these cattle, right? They are sitting there because they want to eat insects. जैसे जैसे ये cattle जो है, जैसे जैसे कोई एक बैल है ना, तो बैल जैसे इस घास में चलता है तो चलते टाइम वो घास को रब करता है ना,
तो जैसे ही ये घास को डिस्टर्ब करता है तो वहाँ पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो हवा में उड़ते हैं। जैसे ही ये हवा में उड़ते हैं जो बर्ड्स हैं ये इनको कैप्चर कर लेते हैं, इनको खा लेते हैं। तो बर्ड्स को कोई मेहनत नहीं करनी, उनको बस बैठना है, राइट, दे जस्ट हैव टू सिट ऑन द काउ और द बुल, एंड एज द बुल मूव्स इंसेक्ट्स विल कम अप एंड द बर्ड्स आर गोइंग टू ईट देम अप, करेक्ट। सो दिस इज लिविंग ऑन द होस्ट, करेक्ट, एंड गेटिंग अ डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन। इट इज सिंपली अ कंपेनियन एट द टेबल, करेक्ट। अब जो बुल है या काऊ है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना उसे कोई फायदा है ना उसे कोई नुकसान है, छोटा सा बर्ड बेचारा बैठेगा मेरे ऊपर, मुझे क्या नुकसान होगा, इजंट इट। तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आई एम ईटिंग ग्रास, यू जॉइन मी एज वेल एंड यू कैन फीड ऑन द इंसेक्ट्स विच आर यू नो स्प्रेड व्हेन आई एम वॉकिंग इनटू द ग्रासलैंड्स, करेक्ट। और एग्जांपल्स की बात करें कमेंसालिज्म की तो है वल्चर। वल्चर एज यू ऑल नो इज अ स्कैवेंजर, करेक्ट। स्कैवेंजर कौन होता है? स्कैवेंजर वो होता है जो लेफ्ट ओवर्स पे जीता है। मतलब जब भी कोई कार्निवोरस एनिमल मर जाता है, ठीक है, तभी ये वल्चर वहाँ पर आकर उस पे फीड करता है, राइट। इट डज नॉट एक्टिवली किल एनी कार्निवोरस एनिमल, इट विल नॉट एक्टिवली किल एनी एनिमल, इट विल वेट फॉर द एनिमल टू डाई एंड देन इट विल स्टार्ट फीडिंग ऑन द डेड एनिमल, ठीक है। तो एनिमल इज ऑलरेडी डेड, सो उसको कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, बट वल्चर इज गेनिंग आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, समझा। और एक बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है फिश का, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा फिश है, ठीक है, दिस इज द फिश नोन एज योर शार्क, ठीक है। तो ये शार्क जो है ये क्या कर रहा है, ये अपना ओशन में घूम रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे आप देख सकते हो एक रेड कलर के सर्कल में मैंने मार्क किया है, एक छोटी सी मछली है, इफ़ यू कैन सी देर इज़ अ स्मॉल फिश विच इज अंडरनीथ दिस बिग शार्क फिश, ठीक है। तो ये जो छोटी सी मछली है इसको हम कहते हैं रेमोरा, ओके, वी कॉल दिस एज रेमोरा, करेक्ट। तो ये जो रेमोरा फिश है उसके ऊपर एक सक्शन कप होता है, इफ यू कैन सी राइट, यहाँ पर नीचे पिक्चर है इस रेमोरा का, तो रेमोरा के सर के ऊपर अगर आप देख सकते हैं ऐसे एक यू नो स्ट्रक्चर बना है, इससे ये क्या करता है फिश को जाके चिपक जाता है, राइट। सो क्या होगा, इस सक्शन कप से वो अपने आप को अटैच कर देगा शार्क को, और जहाँ जहाँ शार्क जाएगा, ठीक है, जो जो चीज़ ये शार्क खाएगा उसमें से कुछ तो लेफ्ट ओवर्स होंगे, है ना, जब खाएगा तो कुछ चीज़ें हैं जो नीचे गिरेंगी, तो ये जो स्मार्ट रेमोरा फिश है वो क्या करेगा, ये जो लेफ्ट ओवर्स है उसको ये खाएगा, है ना। तो फ्री की लिफ्ट भी मिल जाती है, इट कैन रोम अराउंड फ्रीली, प्रोटेक्शन भी मिल जाता है फ्रॉम प्रेडेटर्स, है ना, बिकॉज द शार्क उसके तो कौन पल्ले पड़ेगा, है ना, तो इट गेट्स प्रोटेक्शन एज वेल एज इट गेट्स फूड, इजंट इट। तो यहाँ पर इस रेमोरा को कितने सारे बेनिफिट्स हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम इस शार्क की बात करें, शार्क को तो कोई नुकसान नहीं है, है ना, शार्क तो अपना काम अच्छे से कर रहा है, उसको ये छोटा सा फिश उसके साथ एसोसिएट करेगा, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता, इजंट इट। इसे कहते हैं कमेंसालिज्म, ठीक है। अदर बेनिफिट्स ऑफ कमेंसालिज्म, फूड के अलावा और भी क्या फायदे होते हैं कमेंसालिज्म के, मेनी अनइनवाइटेड गेस्ट्स टेक रिफ्यूज इन द बरोज ऑफ वर्म शेल फिश एंड स्पॉन्जेस। मतलब जो छोटे छोटे घर वर्म्स बनाते हैं, शेल फिश बनाते हैं, स्पॉन्जेस बनाते हैं, उनमें बाकी के यू नो ऑर्गेनिजम्स आके रहते हैं, ठीक है, वो इनको ना हार्म करेंगे ना इनको कोई फायदा करेंगे, राइट, बट दे विल जस्ट कम एंड सिट ओवर देयर। ऑयस्टर्स, दे हाउस
स्मॉल डेलिकेट क्रैब्स इन देयर मेंटल कैविटी. तो क्रैब आके बैठेगा, ठीक है, तो क्रैब को तो प्रोटेक्शन मिल गई है ना, रहने की जगह मिल गई. ऑयस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, दे आर नाइदर बीइंग हार्म नॉर दे आर गेनिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट. अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ अ प्रेरी डॉग. ओके, प्रेरी डॉग जैसे आप पिक्चर में ऊपर देख सकते हो, राइट, इट इज अ रोडेंट. भले ही उसको डॉग कहते हैं, राइट, बट इट इज अ रोडेंट. अब ये जो है नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स में पाया जाता है. ये क्या करता है, ये अपने लिए घर बनाता है बाय बरोइंग इनसाइड. एक छोटा सा होल बनाएगा, उसमें जाके रहेगा, ठीक है. अब ये बना बनाया जो घर होता है, राइट, इसको यूज करने आ जाते हैं आउल्स, ठीक है. तो नीचे वाले जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं एक उल्लू है जो आके इस घर में आके बैठ गया है, ठीक है. तो यहाँ पर दिस इज अगेन बेनिफिट ऑफ कमेंसालिज्म. यस, ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिव एसोसिएशंस फ्रॉम बोथ द एंड्स, है ना. पहले हमने अभी क्या देखा था, सिर्फ कमेंसालिज्म में एक को बेनिफिट है, दूसरे को ना बेनिफिट ना नुकसान. अब हम बात करेंगे ऐसे एसोसिएशन की जिसमें दोनों पॉजिटिव एसोसिएशन है, ठीक है, दोनों को फायदा होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटो कोऑपरेशन. प्रोटो कोऑपरेशन और फैकल्टेटिव कोऑपरेशन. फैकल्टेटिव मतलब दिस एसोसिएशन इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी. मतलब मुझे अगर इस एसोसिएशन में नहीं रखा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, दैट इज नॉट द सिचुएशन, है ना. दोनों अलग अलग अपना इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, पर जब भी वो करीब आते हैं, जब भी वो एसोसिएट करते हैं, तो दोनों को हमेशा फायदा होता है, राइट. सो नाउ इट इज ऑफन कंसिडर्ड एज अ स्मॉल स्टेप फ्रॉम कमेंसालिज्म टू म्यूचुअलिज्म. Correct. Best example that we have over here is of a seal entry. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो एक क्रैब है, ठीक है, ऑरेंजिश कलर में आपको जो दिख रहा है, रेड ऑरेंज कलर, ये एक क्रैब है, ठीक है. अब ये जो क्रैब है इसके ऊपर जो आप देख रहे हो, दैट इज अ सील एंटरेट, राइट, दिस इज अ सील एंटरेट, समटाइम्स ऑल्सो नोन एज सी एनिमल, ठीक है. तो ये क्या करेगा, सीलेंट रेट जो है वो जाके बैठ जाएगा क्रैब के ऊपर, ठीक है. अब ये जब क्रैब के ऊपर बैठ जाएगा तो क्रैब को क्या फायदा होगा, इट गेट्स कैमोफ्लाज्ड, है ना. उसके जो प्रेडेटर्स हैं दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई इट, और अगर किसी प्रेडेटर ने पहचान भी लिया, इफ एनी प्रेडेटर आइडेंटिफाइज दैट ओ दिस इज अ क्रैब, then what will the coelenterate do, they have stinging cells, ठीक है. जैसे ही ये predator पास आता है, ये उस predator को sting करते हैं, मतलब इसको चोट पहुंचाते हैं, ठीक है, poke करते हैं, toxic छोड़ते हैं. तो इससे क्या होगा कि ये जो crab है उसको protection मिल जाती है ना, sea anemone उसका bodyguard हो जाता है. in return crab क्या करेगा, क्रैब विल प्रोवाइड द सीलेंटरेट विद ट्रांसपोर्ट एंड फूड. तो जब जब क्रैब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा खाने के लिए, तो इस सीलेंटरेट को भी अपने साथ लेकर जाएगा, है ना. तो सीलेंटरेट का फ्यूल बच जाता है ना, एनर्जी बच जाती है टू मूव, और उसे खाना भी मिल जाता है, राइट. सो दिस एसोसिएशन इज प्रोटो कोऑपरेशन. तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूँ, ठीक है, बट इट इज नॉट an obligatory relationship, correct. This association is not obligatory as the crab does not absolutely depend on the coelenterate and vice versa, right. Okay, moving ahead we have an association known as mutualism, ठीक है. म्यूचुअलिज्म एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें
दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिकॉज इट इंक्रीजेस द फिटनेस लेवल ऑफ बोथ द पार्टिसिपेंट्स इन दिस एसोसिएशन करेक्ट सो नाउ दिस इज अ पॉजिटिव रेसिप्रोकल एसोसिएशन बोथ पार्टीज आर बेनिफिटेड एंड नाइदर कैन सर्वाइव अंडर नेचुरल कंडीशंस विदाउट द अदर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है लाइकेंस का है ना लाइकेन का एग्जाम्पल तो हम सबको पता है आई थॉट लेट अस टेक अप एन एग्जाम्पल विच इज नॉट वेरी कॉमनली नोन ठीक है तो इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें वो होता है बुल हॉर्न अकेशिया ठीक है तो बुल हॉर्न अकेशिया जो होता है इसकी क्या खासियत है एज यू कैन सी ओवर हियर राइट तो ये जो बुल हॉर्न अकेशिया है इसमें यू कैन सी इसके ऊपर हॉर्न्स जैसे शेप है ठीक है ब्लैक कलर्ड हॉर्न्स है ना तो ये हॉर्न्स क्या है दीज आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड ठीक है तो एंट्स चींटियां जो होती है ये इन हॉर्न्स में जाके बैठ जाती है ठीक है तो चींटियों को क्या मिलता है व्हाट डू एंट्स गेन फ्रॉम हियर दे हैव फूड एंड शेल्टर एंड व्हाट विल द एंट्स डू एंट्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द ट्री फ्रॉम हर्बीवोरी और अदर प्लांट्स मतलब जैसे ही कोई हर्बीवोर आता है और इस प्लांट को खाने की कोशिश करता है तो ये चींटियां उसको काट लेती हैं राइट सो द एंट्स विल नॉट अलाउ एनी अदर हर्बीवोर टू कम नियर दिस प्लांट करेक्ट तो इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म अकेशिया इज कंसिडर्ड टू बी अ होस्ट जो कि है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में किसके साथ एंट के साथ राइट सो दिस रिलेशनशिप इज कंपल्सरी फॉर देम राइट ये दोनों का जो एसोसिएशन है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है सर्वाइवल के लिए करेक्ट यस रॉकी गुड इवनिंग चलो तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एसोसिएशंस वेरी वेल इसके एग्जांपल्स भी हमने पढ़े हैं अब कोशिश करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की ठीक है तो दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट सी क्वेश्चन क्या कहता है गिवन बिलो इज अ मैट्रिक्स ऑफ पॉसिबल इंटरैक्शंस बेनिफिशियल हार्मफुल न्यूट्रल बिटवीन स्पीशीज वन एंड स्पीशीज टू The name of the interactions A, B, C and D respectively are what? ठीक है तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव एसोसिएशन है स्पीशीज वन और स्पीशीज टू के बीच में तो ये किस प्रकार का एसोसिएशन है अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो ये किस प्रकार का एसोसिएशन है पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये किस प्रकार का एसोसिएशन है सो यू रिमेंबर जब हमने क्लास शुरू की थी तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप मैंने आपको एक टेबल दिया है शुरुआत में ही उस टेबल से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं राइट सो व्हाट शुड बी द आइडियल आंसर फॉर दिस बताओ कौन सा होना चाहिए ऑप्शन Yes, the correct choice is option C, है ना A जो है उसमें क्या है दोनों negative, correct? Species 1 is also negatively affected, species 2 is also negatively affected, correct? तो अब A जो है वो देता है competition, right? B में क्या है You have species 2 is positive and species 1 is negative, है ना स्पीशीज टू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है एक स्पीशीज जो है वो गेन कर रही है
स्पीशीज वन जो है वो लूज कर रही है, तो ये क्या किस टाइप का एसोसिएशन है? इट इज प्रिडेशन, राइट। सी में क्या है? स्पीशीज वन स्पीशीज टू दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों बेनिफिट कर रहे हैं, राइट। सो इसे हम कहेंगे म्यूचुअलिज्म। और जो फाइनल है डी, जिसमें क्या हो रहा है, स्पीशीज टू इज नेगेटिव एंड स्पीशीज वन इज जीरो, राइट। एक पॉपुलेशन जो है जो नेगेटिवली अफेक्टेड है और दूसरा जो है उसको ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। रिमेंबर योर एस्परजिलस नाइगर, उससे तो कोई नुकसान नहीं है पर बैक्टीरिया को वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है, राइट। सो अ माइनस एंड जीरो एसोसिएशन वुड बी अमेंसालिज्म, राइट। तो जो पहला टेबल हमने बनाया था उसको अगर आप समझ गए हो तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। द फॉलोइंग मैट्रिक्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ एंड ड्यूरेशन ऑफ स्पीशीज एसोसिएशन। इसका क्या मतलब हुआ? जो नीचे मैट्रिक्स बनाया है वो बताता है कि आप जितने ज़्यादा समय तक, राइट, जितने ज़्यादा समय तक जो होस्ट है वो इस ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट करेगा तो उसके चांसेस ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। दिस इज़ द क्वेश्चन, ओके। अगर एक होस्ट है वो किसी प्रिडेटर के साथ ज़्यादा समय तक रहेगा या कम समय तक रहेगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसके डेथ की? अगर एक होस्ट, ठीक है, किसी नॉर्मल ग्रेजर के साथ रहेगा, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसके डेथ की? दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन, कितनी देर तक आप एसोसिएट करते हो, और नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, क्या चांस है कि आप मर जाओगे, क्या चांस है कि आप मौत के पास जाओगे, राइट। सो दीज आर द टू वेरिएशंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड, करेक्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। ए में क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन इज हाई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज लो, ठीक है। ए को अगर कंसिडर करें, इसमें क्या दिया है, ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन इज हाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज लो। अब ये कैसे हुआ? पैरासाइट्स क्या करते हैं? पैरासाइट्स की ये कोशिश होती है कि वो किसी होस्ट के ऊपर अटैच करेंगे, होस्ट से न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, पर क्या वो होस्ट को कम्प्लीटली किल करते हैं? नहीं, उनको उस होस्ट की ज़रूरत है, तो ये क्या करेंगे, ये कंटिन्यूसली इस होस्ट से अपने लिए न्यूट्रिशन लेंगे, राइट। उन्हें जो जो चीज़ें चाहिए, या तो शेल्टर लेंगे या सपोर्ट लेंगे या फूड रिसोर्स कंज्यूम करेंगे, करेक्ट। अब ये होस्ट को मारना नहीं चाहते, सो इवन इफ द ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन इज वेरी हाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ द होस्ट इज वेरी लो, करेक्ट। बी ऑप्शन है पैरासिटॉइड्स, करेक्ट। पैरासिटॉइड्स कौन होते हैं? पैरासिटॉइड्स वो होते हैं जो एक फॉर्म ऑफ पैरासाइट है, पर ये पैरासाइट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बहुत अलग होता है, ठीक है। तो इनमें क्या करते हैं, जो वैस्प होते हैं, ठीक है, वैस्प आर लाइक स्मॉल बीज, ओके, स्मॉल इंसेक्ट्स, ये क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू इंजेक्ट देयर एग्स इनटू द टैरेंट्यूला स्पाइडर, ठीक है। ये क्या करेंगे, एग्स को टैरेंट्यूला स्पाइडर के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब टैरेंट्यूला के अंदर ये एग्स हैं, जैसे एग्स ओपन होंगे, व्हेन द एग्स विल हैच एंड द स्मॉल लार्वे विल कम आउट, दे विल स्टार्ट ईटिंग अप द टैरेंट्यूला स्पाइडर फ्रॉम इनसाइड, करेक्ट। सो विथ अ हाई ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज वेरी हाई। जितने ज़्यादा देर तक ये लार्वे इस टैरेंट्यूला के अंदर रहेंगे
उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये टैरेंट्यूला जो है वो मर जाएगा, राइट? सो ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन इज हाई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज ऑल्सो हाई. सी सी रेफर्स टू ग्रेजर्स. ग्रेजर्स में ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन इज लो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज ऑल्सो लो. ठीक है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है ना, जिसमें हम बात करेंगे एक गाय की. ठीक है, गाय जब जाती है चारा खाने के लिए या जब किसी एक ग्रासलैंड में वो चरने जाती है, व्हाट विल इट डू? द काउ विल ईट अ लिटिल ग्रास एंड इट विल गो बैक, राइट? बट द ग्रास हैज़ द कैपेसिटी टू ग्रो वेरी फास्ट, राइट? सो द ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन, कितनी देर तक, यू नो, फॉर हाउ मच टाइम विल द काउ ईट द ग्रास? स्मॉल ड्यूरेशन, है ना? ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन इज स्मॉल. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ, क्या चांस है कि ग्रास मर जाती है? चांसेस आर वेरी लो बिकॉज द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्टिल इनसाइड द ग्राउंड, इजंट इट? रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्टिल इनसाइड द ग्राउंड. तो जो हर्बीवोर्स हैं या ग्रेजर्स हैं वो क्या करते हैं? बस ऊपर ऊपर की पत्तियां खा के चले जाते हैं, बट द रूट्स आर इंटैक्ट. सो ग्रेजिंग डज नॉट have any detrimental effect on the grass, correct? So probability of death जो है वो बहुत कम हो जाती है. Do you understand? So low duration of association and low probability of death, ये जाता है grazers के लिए. And finally you have predators. Option D है predators के लिए. Predators में क्या है? Duration of association is low and the probability of death is high, है ना? अब एक example लेते हैं शेर का. शेर क्या करेगा? शेर जाएगा, धीरे 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 जाएगा, जंगल में देखेगा, अच्छा यहाँ पर एक rabbit है, ठीक है, जिसकी मैं शिकार कर सकता हूँ. तो शेर क्या करेगा? धीरे धीरे जाएगा and suddenly it will pounce upon the rabbit, correct? तो रैबिट और शेर, जो रैबिट एंड टाइगर, उनका जो एसोसिएशन है, ड्यूरेशन ऑफ एसोसिएशन, कितनी देर तक एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं? वेरी लिटिल टाइम. बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज़ वेरी हाई बिकॉज प्रिडेटर विल एंड अप फाइनली ईटिंग द प्रे, करेक्ट? सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज इंटरैक्शंस, right? I hope that this session was really helpful for you, right? And you liked the way we have discussed this concept, and I hope this concept is much clearer to you now, right? So for more such sessions, right, join us on the Unacademy platform, where we have a complete structured way of letting you understand every topic in depth, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से लेकर क्वेश्चन सॉल्विंग तक, राइट? विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वी प्रोवाइड यू द बेस्ट एक्सपीरियंस यू कैन हैव विथ लर्निंग, राइट? आई होप यू हैड अ वंडरफुल सेशन. टेक केयर. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. बाय बाय. गुड नाइट.